साधारण सम्मान जो आज आगामी लोकसभा के लिए अपना समर्थन निकलते करने आपके बीच आए विजय मलिक, आपके विधायक दिन रात आपकी सेवा करने वाले कायमती जी, अलका अध्यक्ष नरेश जी, आपके सरपंच प्रतिनिधि सोनू जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, गांव के मेरे बुजुर्ग को अपना आशीर्वाद दीजिए और माताएं बहनी हुई साथी। मैं पहले बार सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज भूपेंद्र जी के साथ के लिए आप सब यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में करते हैं और खासतौर पर मैं मैदान और सरपंच का आभार व्यक्त करूंगा कि आप इतनी तादाद में हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक कदम हमने उठाया था श्रीमती नैना चौधरी जी के आदेश अनुसार कि पंचायतों में 50% हिस्सेदारी माता और बहनों की बनी। आज पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, हर दूसरी सीट को एक माता बहन सुशोभित करती। आज राशन डिपो के अंदर 33% हिस्सेदारी हमने महिलाओं की बनाई। आज महिला सशक्तिकरण के लिए नए कदम के तौर पर इस लड़ाई को लड़ा। साथियों, आज डीसीए के साथी है, नारी है, बेटी है, कुमार है, दुहार है, उनको कभी मेमोरी सरपंच जी नहीं मिला करती थी। 8% हिस्सेदारी उनको हमने पंचायत की राज में ले लिया था। अभी गांव की तरफ से बात रखी गई, ये हमारी सड़क पड़ेगी, हमारे लिए पानी काटने के लिए पाइपलाइन लगी, हमारे गांव में इस समस्या के लिए 5 लाख आए, 20 और कमरे के लिए, चौपाल के लिए 10 लाख आए, 5 लाख आए। ये पीछे आए काम हुआ क्यों? क्योंकि हमारा विधायक राज का हिस्सेदार था, पिछले ग्रुप में विपक्ष का भी तो हिस्सेदार विधायक था। कुछ आया? आज 300 करोड़ से ऊपर मंडित मेरे साथ अड़ के पानी काटे की पाइपलाइन के लिए डलवाए। अकेले बुलाना का फायदा नहीं हुआ, टिल्लू खेड़ा बुलाना, आगे चले जाओ नारनौ, उसके बाद चले जाओ भवानी खेड़ा, दादरी, सारे किराए जो अपने नीचे की किराए की जमीनें थी जहां पानी खड़ा होता था बारिश का, टोटल की टोटल जमीनों में पाइपलाइन करीब 1500 करोड़ रुपए। आज लोग कह देते हैं किसान क्यों थी, मैं आपसे पूछता हूँ जमीने को मेरी अमृत की है या? अगर जमीने यहाँ है तो आप लोगों की है, जिनमें एक फसल मरती मरती थी दूसरे भी मारी जाती थी ज्यादा बारिश को, मगर इन पाइपलाइनों से तो फसल लेने लगी आप, जमींदारी जिंदा होगी इस इलाके। आज गांव में आ रहा था, गांव के दोनों तरफ जेसीबी लगी हुई है, नाली खुद रही, उस नाली खुदने का फायदा किसको है? गांव को होगा, कोई हमने तो यहाँ बसना नहीं, आप लोगों ने बसना, पानी नहीं रुकेगा, गंदगी नहीं होगी, पानी नहीं रुकेगा, सड़क नहीं टूटेगी। अभी मैं आ रहा था मंडी किनारा कहते लिए देखो ये तीन गांव की सड़क, ये देखो काम की सड़क नहीं बने रहे, मेरे कितने ले गया मेरे से लड़ने 280 करोड़। अब कह देते हैं जितने पहले टाइम की वजह ये थी कि उस योजना में पीछे नहीं दिए जाते, मगर ये था कि पानी जिस दलान से निकलेगा उस दलान में पहले सबसे ऊंचे पॉइंट पे काम शुरू हो, जमीन सिंचाई में पानी निकलेगा। अगर पहले पाइप यहाँ डाल देते और पानी निकलने की व्यवस्था ना होगी, पिछले गांव का पानी आगे ना रुक जाता। व्यवस्थित ढंग से 3 साल का प्लान बना के धीरे धीरे हमने काम किया।
और आज मुझे दिखता है पिछले साल पूरे प्रेस बैठ में तो एक काम भी था 2023 के अंदर जहां फसल खराब हो उसका फायदा मिला तो सबसे ज्यादा किसानों को। एक तीन पूछो मांगे उसे किसान विरोधी कह देते 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी है। मंडी में जाते थे गाली बिता के वापिस आ जाते थे, कोई टोकनिया था और जैसे ही गेर के आते थे 2 दिन में कड़म करके मोबाइल में पीछे आते थे। आज दुराना मंडी की हालत देखिए, आज 4 लाख कट्टे से ऊपर मंडी में पड़े पेमेंट आए 17 दिन हो एक महीना हो गया। ये फर्क क्यों पड़ गया? राज से गए तो 2 महीने हुए क्योंकि शुद्ध लेनिया को नहीं बैठा, कोई फसल खराब हो जाती थी पानी भरने की वजह से, कोई फसल खराब हो जाती थी और किसी व्यवस्था की वजह से। प्रावधान कानूनी तौर पर परमानेंट कर दिया कि 30 दिन में मुआवजा आएगा और पटवारी ना चेक करके जाए किसान के मोबाइल में ताकत दे दी क्षतिपूर्ति फोटो खींच के सरकार को दे। यह व्यवस्था इसलिए बनी कि हमने बैठ के एक ही चीज सोची कि ग्रामीण अंचल को सशक्त कैसे बनाया जाए, किसान की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। आज 36 बिरादरी बैठी है, ये राशन कार्ड बनाने के लिए कितनी दिक्कत आती थी। गांव में चले जाओ और क्या जाती थी फाइल लेके पीला राशन कार्ड बना और दफ्तर जाना पड़ता था जींद। आज तो गांव के कंप्यूटर सेंटर में जिसके परिवार की आय 80 से नीचे 7 किसान पूरा राशन कार्ड कर देते हैं। किसी को SCBC सर्टिफिकेट लेना था, किसी को अपना इनकम सर्टिफिकेट लेना था, तहसीलदार को या पता नहीं था, कितने गेड़े लगाते थे तहसीलदार के पीछे। आज 2 मिनट लगती है गांव के CHC में जाओ कंप्यूटर पर खुलवाओ 7 किसान सर्टिफिकेट लेते हैं। मिलाओ पर प्रचार को नहीं करो, अपनी कमी है। सारे गलती करते हो जितने बैठे हो, मैंने एक चीज बताओ, एक फर्द के लिए पटवारी कितने चक्कर कटाया करता था? 15 दिन तो किस्मत आ जाएंगे, 2-2 महीने लग जाया करते थे कई बार। और आज फर्द लेने के लिए 2 मिनट लगती है CHC सेंटर में जाओ 7 किसान ये काम करने की सोच के साथ काम करा। आज खरखोदा में मारुति की 10 लाख गाड़ी बनाने की फैक्ट्री लग रही है। हुड्डा तो इस मारुति को गुजरात भेज गया था, हम लेके आए थे झगड़े के, फायदा किसका होगा? 10 लाख गाड़ी बनेगी, 10,000 को नौकरी करेंगे अपने ही करेंगे। आज व्यवस्था बढ़ाई कि प्रदेश के अंदर छोटी छोटी चीजें जो पहले दफ्तरों में व्यापक करती थी गांव के CHC में 600 सुविधाएं भेज दी। ये इसीलिए कि आम नागरिक को दिक्कत ना है, पर एक चीज लिए बैठे हो क्या इस्तीफा नहीं दिया? आप मुझे बताओ तो देवराज जी छोटू राम जी क्या करते थे? शाम को राज में बैठ के होते हैं, कितने विधायक पहले बन लिए आपके विपक्ष के थे, कोई काम करा पाया? आप लोगों के बीच में अगर बीच में गिर रहा करके छोटी छोटी ग्रामीण समस्याओं का भी निपटारा कर। मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके सामने 3 उम्मीदवार कांग्रेस का जिसको शायद कोई जानता नहीं, पता भी उसका हरिद्वार ढाल आया उठा क्योंकि छोरे की सीट जिताने थी। छोरे की सीट जिताने के लिए बीजेपी को यहां जिताने की ताकत के कमजोर के नजरिए थे। बीजेपी का राय का है, कोई नहीं जानता अपने केवल ये बात बीजेपी बीजेपी बीजेपी। भूपेंद्र तो आपके पड़ोस का है,
कोई काम पड़ेगा सांसद से मिलना पड़ेगा तो भी 20-25 मिनट लगे और तो और ज्यादा होगा भी पकड़ लिया। आज ये छोटी चीजें समझने की है कि कौन बीच में रह के काम कराएगा। सांसद बहुत चुनकर गए और आपके तो अधिकतर राष्ट्रीय पार्टियों के गए, कोई ऐसा एक एमपी बता दो जिसने सोनीपत लोकसभा की बात पार्लियामेंट में उठाई। आज भूंगे मेरे बढ़ जाते राष्ट्रीय पार्टियों का झंडा ले मगर अपना खुद का बनाओगे तो सारी समस्या ने पार्लियामेंट कटेगा ना पाकिस्तान। मेरा निवेदन आपसे ये समझने की चीजें है, दफ्तर भी जाना पड़ता था आप सबको तो जीन एसडीएम बैठता। मेरे को याद है पहली जलसा करके गया था, मांग की थी सब डिवीजन बढ़ा देना। आज आपके द्वारा सब डिवीजन बढ़ी नहीं बनी भाई, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। 10 मिनट में एसडीएम ऑफिस पहुंच जाओ, ये परिवर्तन है। अगर इन चीजों का प्रचार करोगे तभी जाकर अपनी ताकत को दर्शा पाओ। मैं तो आज विनती अनुरोध आपसे करता हूं कि दिन रहेंगे 15 और 15 के अंदर अगर भूपेंद्र को सांसद चुनने की सही नियत के साथ काम करना तो इतनी महिलाएं हैं, टीम बनाओ डोर टू डोर, महिलाओं में चूल्हे पे जाके वोट मांगना ही तो कोई वोट बदलेगा नहीं। एक गेड़ा भी मारेगी सारे नंदा जी है कि नहीं चाबी का बटन दबाना है तो भूपेंद्र को कोई कमजोर हरा नहीं पाएगा। जितने बैठे हो वाट ले लो रिश्तेदारी के नाम के और डोर टू डोर करके आओ, जाओगे रिश्तेदारियों में माहौल बनेगा नहीं बनेगा बड़ा। यहाँ मीटिंग में बैठ के भाषण सुनना बड़ा आसान है मगर संकटे धोकर प्रचार में निकलोगे, घूमने लगोगे, दिखोगे तो उससे माहौल बनेगा, माहौल बनेगा तो हवा बनेगी, हवा बनेगी तभी जाके राज आएगा, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे। आज काम करना पड़ेगा, इन 14 दिन को समर्पित भाव से पार्टी को देने पड़ेगी और घर घर चाबी पहुंचानी पड़ेगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यह विश्वास आप लोगों को जताया, लोग जात पात की बात भी करेंगे, तोड़ने की बात करेंगे। अरे जो भूपेंद्र हुड्डा पिछले चुनाव में ये कहता था कि बीजेपी ने लोग बर्बाद किए, दिग्विजय को भेज दिया वोट काटने के, बोलता था नहीं बोलता था, वो उसी राजकुमार सैनी को अपनी गोद में ले आया छोरे को चुनाव जिताने के, जिसने छोरे बर्बाद किया नहीं बुलाया हो तो बताओ। आज उससे जवाब मांगने की तो जरूरत है। आज ये देखने की समझने की बात है कि हम अपनी ताकत को कैसे दिखाएंगे और करने होके अपनी ताकत को दिखा दोगे तो अपनी पार्टी का चाबी का सांसद चुनके भूपेंद्र मलिक को पाएंगे। अगर हमसे अनुरोध वृद्धि करता हूं खासतौर पर माता और बहनों से, 50% वोट रहता है, ये 50% वोट को सम्मान सूचक पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी देना है जनता पार्टी में। आज उस हिस्सेदारी को बढ़ाने का समय आ चुका, आज लगोगे मैदान में और अपनी ताकत दिखाओगे तभी जाकर उस 50% के सम्मान को घर घर पहुंचाकर भूपेंद्र को जिताने का काम करें। एक चीज तो कोई बोले मैं रिश्तेदारों को और मांगी दे, हमने तो 50% में टिकट दे दी भूपेंद्र को और भूपेंद्र जी की भूख रजिस्ट्रार की लगाया नहीं लगाया, उसमें महिला सम्मान बढ़ाया तो जिम्मेदारी ज्यादा नहीं होती महिलाओं की। मैं तो अनुरोध प्रार्थना करता हूं कि अपनी ताकत को बढ़ाओ, आगामी 25 मई को चाबी का बटन दबाकर भूपेंद्र मलिक जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करो। आप सब ने गांव में आने पर जो मान सम्मान दिया मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।